हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है और शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक एक सिप पिए क्योंकि सारे गेस्ट आते हैं और कोई पीता नहीं और हमारे संदीप दादा को बहुत बुरा लगता है, तो एक एक सिप हम पिएंगे। संदीप दादा चीयर्स। चीयर्स। कॉफी है, चीयर्स कर रहे हैं उसे हिंदी टीवी। ओके, कैसे हो आप सब लोग? एक तो यूपी 65 रिलीज हो चुकी है, हाउ आर यू फीलिंग? लाइक ऐसे लग रहा है कि अभी हम बेटर है सबसे, ऐसा फील आ रहा है? नहीं, बेटर वाला तो नहीं आ रहा, बट वी डेफिनेटली आर वेरी हैप्पी। हम सारे लोग खुश हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, खुशी भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फैमिली ग्रुप मीम्स बन रहे हैं। मैंने मीम्स देखे, कोई तो ऐसा सा कुछ तो रोड पर है, कुछ कर रहे हो आप ही थे वो? आपका मीम है एक? कौन सा? अरुण ने कौन सा मीम देखा अभी? किसी का तो मीम देख रहे थे हम, इनका ही था ना। अच्छा, मीम वो लड़की वाला ना? हाँ, लड़की। हाँ, कॉन्वर्सेशन। हाँ, वेरी गुड मीम, वेरी नाइस मीम। और क्या बन रहा है? सॉरी, आई कट यू, सॉरी, क्या था? हाँ, सो मतलब अननोन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, स्पेशली फ्रॉम वाराणसी, बनारस के लोग, क्योंकि बीएचयू के ऊपर स्टोरी है और सब कैरेक्टर का अलग अपना एक अनोखा वो है, तो सबको प्यार मिल रहा है। हाँ, सबसे खराब कौन है शो में? खराब कोई नहीं, तुम लोगों से कोई विलन नहीं है? अल्पेश जी कौन आया नहीं है? कोई नहीं। सारी बातें काल्पनिक थी। ओके, आई नीड टू इंट्रोड्यूस देम ऑल। ओके, जोरदार तालियां हो जाए प्रीतम के लिए। अब्बास, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है, जोरदार तालियां हो जाए द एड किंग इसके लिए। Also the web series king. He's like the king of acting only now. और ये हम सबको tips दे रहे हैं on how to audition and how to like be at everywhere, everything all at once. वैसे तो इन सबका बड़प्पन है ये, और क्योंकि मैं तो सच में मैं मानता हूँ कि मैं सबके साथ उनके एज ग्रुप के हिसाब से, अगर मैं किसी बड़े के साथ काम कर रहा हूँ तो एक वो हम्बलनेस रहती है, दोस्त के साथ काम रहता हूँ तो एक एक दोस्त वाली जो वाइब होती है वो मैच करने की मैं कोशिश करता हूँ। और इसको बोलने के लिए समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है बट ये 350 आर्ट करने के बाद ये होता है। नहीं भाई, मतलब मैंने सीखा है ग्राउंडेड रहना, क्योंकि एक फेज वो भी होता है जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार वी आर द किंग, बट मैं नहीं मानता हूँ दैट आई एम द किंग। मेरे जैसे और मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस हो और इसके आगे और भी चीज़ें रखी हुई हो मेरे लिए। एंड जैसे ये एक शो है वैसे और भी शोज मिलते रहे, एड्स मिलते रहे, एंड ऐसे ही इंटरव्यूज इनके साथ, आफ्टर लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इनके साथ मैं वापस इंटरव्यू पे आऊँ एंड वापस बस करो रहा नहीं जाता, यहाँ डाल लो। तुम लोगों का जो सीरीज है, दो सीजन ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, आज पांचवा एपिसोड आ गया, राइट? सो सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है आप लोगों की फ्रॉम सेट? आई गेस हमने जितना भी शूट किया है थ्रू आउट 70 days हमने शूट किया था, तो हर दिन में हमारे पास इतनी सारी मेमोरीज हमने बनाई है। और मैंने सुना कि ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। हम बहुत मस्ती, हम लोगों ने तो एक पूरा एक हमारे सेट में ना ऐसे दो यूनिट थे, यूनिट ए यूनिट बी, और हम लोगों ने इंटरनल एक यूनिट सी बना के रखा था एंड दैट यूनिट सी वाज फॉर बिहाइंड द सीन्स। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी हमारा शॉट रहता था हम किसी को ना बोल देते थे कि भाई प्लीज BTS रिकॉर्ड कर लो, ताकि ये मेमोरीज जो हम लोग ने क्रिएट किए हैं वो एक सेव भी हो जाए, और फिर उसका BTS अभी एडिट करके हम लोग सब ये भी सोच रहे कि पोस्ट कर दे, प्लीज करो, क्योंकि लोगों को BTS ज्यादा मजा आती है। अरे बहुत बहुत मस्त है। तुम कुछ बोलो ना, आप पूछिए मैं बोलूंगा। तो इसमें से सबसे नॉटी कौन है, लाइक सबसे ज्यादा शरारती कौन है, मतलब सबसे खुराफाती आइडियाज किसके दिमाग में आती है इन पांच चारों में से? खुराफाती मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डे वाइज रहता है, कभी किसी दिन अगर मैं देखता हूँ मूड स्विंग रहता है, किसी दिन ये खुराफाती करेगा, किसी दिन ये। एंड एक्चुअली सब अगर देखा जाए तो काफी अपने कैरेक्टर के हिसाब से खुराफाती करते हैं, सो वो इंटरनली और मैं थ्रू आउट द शूट हम सब अपने कैरेक्टर में रहते हैं। हां, जेन्युइनली थ्रू आउट द शूट, जेन्युइनली। वाओ, व्हाट डू यू से? हां,
हम लोगों ने वर्कशॉप भी किए थे ना, तो हम लोग वर्कशॉप में भी ऐसी हमारी केमिस्ट्री बिल्ड हो गई थी, इन दोनों की केमिस्ट्री बिल्ड हो गई थी, इसके निशांत की बिल्ड हो गई थी, तो हमारा वो केमिस्ट्री की वजह से ना ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइजेशनल जोक्स निकलते थे। अब तो सच में देखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव बॉन्डेड विद दीज पीपल इनफ टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों का बॉन्ड बहुत सही दिख रहा होगा शो में, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि IIT लोगों की आपने बताई है कैसे मजे मजे करते हैं वो, और पर सीरियस चीजें भी होती है, नॉट जस्ट फन, इट्स ऑल इट्स अ फुल मिक्स, पढ़ाई लिखने तो होती है ऑफ कोर्स, IIT में गए हैं, IIT बेस्ड नहीं है एक्चुअली, IIT बेस्ड है लेकिन हम इंजीनियरिंग ज्यादा, अच्छा, और ये जो कोचिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं सीखते हैं वो है, मतलब बेसिकली एक कॉलेज लाइफ भी कह सकते हैं जो भी मस्ती होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो कोचिंग की जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, उनको लड़कियां नहीं मिलती लाइफ में, एंड ऑल दे क्रेव फॉर इज गर्ल्स अटेंशन, हमारी सीरीज ये ना टाइप का सीरीज है आपके, ऐसा ये दोबारा ये काल्पनिक बातें हैं और इसका हां डिस्क्लेमर दे रहा है, ये दे दे सब कुछ, तुम लोगों ने बिल्कुल कोई फीमेल अटेंशन मिला ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, अब ये काल्पनिक कैसे होगी, हेलो नहीं मतलब नहीं कि नहीं मिलती है या गर्ल मिलती है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रही हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि इतने इंजीनियर्स होते हैं लड़के, उसमें एक एक दो लड़कियां होती हैं, मतलब मेरे बैच में तो ऐसे होता था, मैं इंजीनियर जैसे मैकेनिकल में ज्यादा लड़कियां, कल मैं अपने चाचू से बात कर रहा था तो उन्हीं ने बोला वो लाइक उन्होंने ऐसा बताया कि उनको अपने हॉस्टल डेज की याद आ गई, जिस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, सारे सीन्स आप देखोगे ना 90% सब इम्प्रोवाइजेशन है, ये नहीं है कि हम लोग ने कुछ ऐसा सोचा है, ये हमारे डायरेक्टर सर चलो शुरू हो जाओ, ये हमारे जो डायरेक्टर सर है गगनजीत सर, उन्होंने सबको इतनी क्रिएटिव लिबर्टी प्यार से अच्छे से दे दी थी, इवन इन वर्कशॉप्स एंड इवन ऑन सेट हम लोगों को बोलते थे कि एक रात पहले तो अरे प्रगति और जो हमारे दूसरे को स्टार है रिया, ये लोग तो मतलब लिख के आते थे कि हम लोग ये करेंगे, एंड उतना डेडिकेशन हमारे एक्ट्रेस में से वो निकलवाना वो डायरेक्टर सर हमारे गगनजीत सर। आई स्टिल रिमेंबर एक मोंटाज सीन था हमारा जो हार्डली 5 to 10 seconds का होता है, तो मैं और जय जो मोहित और प्रसाद है हम उसमें, तो हमें सिर्फ जाके 5 seconds जाके उनसे वो कन्वर्सेशन करना था एंड सीन कट, वो सीन 2.5-3 minutes तक रोल हुआ है, रोल हुआ, एंड हमें कोई आइडिया नहीं कैसा होने वाला है, और को नहीं कोई स्क्रिप्ट है, हम लोग 2.5-3 minutes तक हम सिर्फ इम्प्रोवाइज किए जा रहे हैं, वो एज एन एक्टर बहुत सैटिस्फैक्टरी लगता है, फील लाइक टू बी एबल टू पुल इट ऑफ आल्सो, और जब कट हो जाता था हमको पता ही नहीं चल जाता था कि कट हुआ, हम कंटिन्यू चालू है, बाद में हम नहीं ये है तो मैं समझ सकती हूं चालू, आप लोग कुछ लोग चाइल्ड एक्टर्स हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं हाथ ऊपर, चारों है एक्सेप्ट यू, एवरीवन इज अ चाइल्ड एक्टर, मी मैं भी नहीं चाइल्ड एक्टर, तुम लोग बचपन से एक्टिंग कर रहे हो, और जस्ट ऑफ लिटिल डाइग्रेसिंग, हमारे जो स्टूडियो में ऊपर एसी चल रहा है एंड दे वर ऑल स्वेटिंग एंड ऑल, पर मैं बोला तुम लोग कितने स्वीट हो, यू नो यू आर जस्ट वेटिंग इन द विदाउट एसी, एंड लाइक नहीं हम इतने रगड़े खा करके हमने कि अगर आप हमें कहीं भी करवाओ हम सारी चीज़ें सहन करेंगे एंड विल स्टिल वर्क, तो टेल अस अबाउट योर जर्नी, लाइक आई लाइक फॉर एग्जाम्पल योर जर्नी, अच्छा आप तो चाहे लेक्टर ही नहीं थे, क्यों मैंने आपको ऐसे किया, पाब्लो नहीं पाब्लो अभिषेक सर सबसे छोटा ये था, सबसे छोटा, चलो इससे शुरुआत करते हैं, योर फर्स्ट फिल्म, अच्छा फिल्म से शुरुआत की इन्होंने, नहीं शुरू कर, तूने शुरू कैसे किया, हां मैं बता दूं तो एक्चुअली अमोल गुप्ते सर जो है तारे जमीन पर के डायरेक्टर, ही इज माय एक स्टूडेंट होली फैमिली जो स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, तो वो वर्कशॉप के लिए आए हुए थे वहाँ पे, मतलब ही वाज लाइक एक्टिंग वैक्टिंग करवा लेंगे बच्चों से, एंड देन वहाँ पे ही सॉ मी, ही गेव मी वन ऐसा एक छोटा सा टॉपिक कि उस पर एक मोनोलॉग बना के आ जाना एंड ऑल, और मैंने मस्ती में बना लिया, मैं सिर्फ सैटरडे जाता था क्योंकि वहाँ पे स्कूल में मैं बहुत मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में, तो सैटरडे यहाँ मुझे खेलने मिलता था, मुझे खाने को बर्गर फ्रैंकी एवरीथिंग, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, एंड मैं इंटरेस्टेड स्कूल में मैं इंटरेस्टेड था नहीं, मुझे सिर्फ सैटरडे स्कूल जाना होता था जब छुट्टी थी, बिकॉज ये शूट चल रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ वर्कशॉप चल रहा है, सो डायरेक्टर अमोल गुप्ते सर गॉट वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम मी, और उन्होंने मुझे एक मुझे बताया भी नहीं था कि वी आर शूटिंग सम फिल्म और समथिंग, बस बताते कि तू फ्रेंड है यहाँ बैठ, डू दिस डू दैट, और मेरे डैड और मॉम से बात हो चुकी थी ऑलरेडी कि वी आर शूटिंग अ फिल्म, परमिशन हो चुका था, एंड ओनली सैटरडे शूट किया गया था, एंड देन सडनली वन डे मैं एग्जाम देके घर पर आ रहा हूँ, मेरे डैड ने मेरे को न्यूज चैनल पे देख लिया था अभिषेक स्टैनली का डब्बा का ट्रेलर आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है, एंड माय डैड गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार मतलब हमारे फैमिली में देयर इज नो वन इन इंडस्ट्री एंड नाउ सो नाइस, मैं ग्राउंड पे आ गया, थैंक यू, बचपन में हिट हो गया आप, हां एंड वहां से फिर उस फिल्म में ऐसा था कि
आई वॉज द मोस्ट एग्जैजरेटेड कैरेक्टर बिकॉज मैं बहुत एनर्जी डाल गया क्योंकि मुझे लगता कि मैं बहुत मस्ती कर रहा हूं. डब्बा खोल दिया, पूरा डब्बा खोल दिया. वो पोस्टर भी देखिएगा ना, वो जो पोस्टर था डब्बा देखने का, उसमें जो पांच लड़के ना, उसमें सबसे ज्यादा एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन मेरी है, ऐसे करके मुझे खाना ही खाना है ऐसे वाले एकदम. तो वहां से पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कास्टिंग ये वो. एंड देन आई कैप्ट, हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज इन आई गेस 6th स्टैंडर्ड. So, interesting. Around there, yeah. So, उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म की, फिर सीरीज किए, फिर ब्रेक लिया बिकॉज पढ़ना था ये, बिकॉज मॉम वॉज वेरी अगेंस्ट जैसे कि पहले पढ़ाई कर, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक यू डोंट गेट एडिक्टेड टू इट, ये वो बट देन ये तो एक नशा है भाई. एंड देन आई हैव दैट कीड़ा, मेरे अंदर वो कीड़ा आ गया. And then from that day, from 6th standard, आज मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, लाइक लास्ट ईयर. Honestly? I was doing my engineering while shooting this. Shoot. I had to go Bombay, वडोदरा, up down करना पड़ा मुझे पेपर के लिए, लाइक लास्ट के फाइनल पेपर्स के लिए. And then वहाँ से मैं घर ही रहा हूँ धीरे धीरे. Let's hope for some bright. ये तुम्हारा फर्स्ट है कि तुमने भी बचपन से कर रखा है? नहीं, मैंने बचपन से कर रखा है. एक्चुअली मेरा जुड़वा भाई भी एक अपूर, हाँ, हम दोनों ने साथ में करियर की शुरुआत की थी. ए, तुम लोग जुड़वा भाई बहुत सही ना, एक मेंबरशिप के दो तो हम अभी भी तो बहुत लोग बोलता रहे तेरे को यूपी 65 में देखा, वो बोलता हाँ मैं ही था. और दोनों 6.2 है हाइट, दोनों सेम है, सिमिलर 6.2 एकदम 6 फीट. और मतलब मेरे इसमें मेरे शो में ट्विन्स आए थे और मैंने उनको पूछा था कि तुम बीमार हो तो वो भी बीमार, वो बोलते हाँ हम दोनों साथ में बीमार होते. नहीं तो ये हुआ है हम लोग के साथ, हम लोग अभी भी ये होता है कि हम जैसे कोविड का छोड़ के, कोविड तो ऑब्वियसली, बट उससे पहले जैसे चिकन पॉक्स वगैरह और भी बहुत सारी बीमारी थी जो हम लोग, एक भाई को हुआ उसके बाद फिर दूसरे को हो गया, तो ये होता है काफी. कूडोस टू योर मदर, वेरी गुड मदर, गुड जॉब. अच्छा सॉरी, योर जर्नी. या सो हमारी जर्नी, आई मीन हाँ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई परिचय, एक शो था बालाजी टेलीफिल्म्स की, तो उसमें हम दोनों ने एज अ लीड शुरुआत की थी. वो आई गेस एक डेढ़ साल चला. एंड सो इसकी एक्चुअली बेसिकली शुरुआत क्या, मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत कीड़ा था. मतलब है कि कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, प्लेज हो गया, वो मैं स्कूल में करता था. एंड पापा हम लोग को काफ़ी एनकरेज करते थे कि हाँ जाओ करो बेटा, क्योंकि वो खुद थिएटर से, अरे वाह, वो रेलवे में एज अ मतलब कल्चरल कोटा से आए हैं, तो उनके लिए उनका उनका सपना था बेसिकली ये, तो उसी सपने को हम आगे बढ़ा रहे हैं. सो स्वीट. या सो उसके बाद फिर परिचय मिला, परिचय के बाद फिर ये रिश्ता क्या कहलाता मिला. अच्छा तो नया रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता, वी डिड लाइक फॉर 2.5-3 years. ये रिश्ता में इसका काम ऐसा था कि हम लोग बनारस में शूट करते थे, वहाँ इसके ऐसे फैंस मिल जाते थे. कितने लोगों ने मतलब जो फीमेल्स फैन थी या फिर छोटे बच्चे थे उसके पैर छू लिए थे, पैर छू लिया, स्केचेस बनाए और स्केचेस बनाए, प्रॉपरली लैमिनेट करके रखा है अपने घर में. ये सारी चीजें मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें ब्लेस्ड, मतलब आप इसको छीन नहीं सकते, ये सारी मिलती है. राइट, सबसे मचा मुझे यही लग रहा है, सबकी तारीफें कर रहा है. नहीं नहीं, ये सच्चा ही है, मैं सच्चा ही बता रहा हूँ. नहीं, बहुत दिलदार, बहुत गिविंग पर्सन, ही इज अ वेरी गिविंग पर्सन. नाइस 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 प्रीतम, गिविंग पर्सन, दिलदार, दिलदार. तुम्हारी इच्छा हम बताइए. सो मेरी जर्नी 2004 से स्टार्ट हुई थी, मैं 4 साल का था. और बेसिकली उसके पहले मैं बहुत सारे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो मेरा क्या था ना कि आई थिंक सो इट इज़ अ गॉड्स गिफ्ट कि मेरी ना मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है. मैं बहुत फटाफट चीज़ें याद कर लेता हूँ. हमारे शो में भी मोनोलॉग्स हैं तो फटाफट मैं याद कर लेता था, किसी और के मोनोलॉग्स होते थे तो सर ने, गगन सर ने चैलेंज भी दिया था कि याद करके पता 5-10 मिनट में, मैंने कर दिया था. तो ये पता नहीं गॉड गिफ्ट है तो वो बचपन से है. तो फिर जब भी कोई स्पीच कंपटीशन या एलोक्यूशन कंपटीशन जो बचपन में होते थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो उसमें मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज आता था इन स्कूल. फिर सोसाइटी में गणपति फंक्शन होते थे, गणपति उसमें कॉम्पिटिशन होते हैं ना, सब विंग ए विंग बी विंग, उसमें जीतता था. फिर मॉल में कॉम्पिटिशन हो गए. पहले तो मतलब 2004 में व्हाट्सएप भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, नोकिया का छोटा सा डब्बा वाला फ़ोन था, तो उसमें उतना कुछ स्कोप नहीं था कि मतलब हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे. तो मेरी मॉम को एक नेबर ने आइडिया दिया कि आपका बेटा इतना एक्टिव है, इतना लाइवली है, एनर्जेटिक है, तो उसका इसका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो ऐसे कि उसको फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट मिले एंड इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप डाल के देखो. तो नाउ वीवर हम लोग नए थे और ना ही हमारा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि फिल्मी बैकग्राउंड हो सकता है, तो कोई कॉन्टैक्ट से लिंक से जाके किसी को बोल दिया कि ट्राई करो आप, वैसा कुछ नहीं था. रहते थे, मैं थाने में रहता था और इतना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हम लोग सेटल नहीं थे. मतलब मिडिल क्लास फैमिली में, नॉट वेल टू डू फैमिली में था और मतलब ट्रैवलिंग में ही 2 घंटा जाता था इफ़ यू गो फॉर अंधेरी. तो मॉम ने कहीं ना कहीं फोटोशूट जो करवाते थे बचपन के मॉडलिंग में, फोटोज खिंचवा के भेजना पड़ता था, यू माइट नो, तो उसमें हम लोगों को लूटा.
किसी ने किया 20,000 ले लिया और फिर कर दिया, पता होगा, तो बहुत ऐसा हुआ था। फिर बाद में उसने किसी एक यू नो नॉट सो गुड कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया था, तो उससे देते रहे नहीं हुआ, एक डेढ़ साल देते रहे ऑडिशन देते रहे नहीं हुआ, रिजेक्शन, और फिर बाद में किसी और का कोऑर्डिनेटर का नंबर मिला, तो उसने बोला कि आपका भूतनाथ फिल्म इफ यू माइट नो उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे को बोला कि यार भूतनाथ में आपका सिलेक्शन हो गया, तो हम लोग गए थे मैं और मॉम खुशी, एंड देन पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ जूनियर आर्टिस्ट में। तो मैंने फिर जूनियर आर्टिस्ट का उसमें पूरा अभी एग्रीमेंट साइन करवा के, हमको पता नहीं था, नए थे, तो सब कर दिया काम हम लोगों ने जूनियर आर्टिस्ट। फिर बालाजी का एक शो था बहुत पहले, करम अपना अपना, बहुत पहले आता था 2005 में, तो उसमें भी मैं जूनियर आर्टिस्ट बना था। तो फिर मेरी मॉम ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, मैं मेरे बेटे को करवाऊंगी तो या तो रिजेक्शन फेस करेंगे चलेगा, ऑडिशन देते रहेंगे चलेगा, बट ऐसे नहीं जूनियर आर्टिस्ट नहीं बनवाऊंगी। तो फिर वापस भाई जर्नी स्टार्ट हुई, रिजेक्शन बोलते रहे कि बहुत नॉर्मल फेसेस, कैसे वो बड़ी बड़ी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कि कॉमेडी फेस नहीं, कि इसमें डाल दिया आपका बेटे का क्यूट है, बट ऐसे क्यूट बहुत सारे बच्चे हैं। और ऑडिशन में भी जाते थे तो सब पूछते थे 5 साल के बच्चों की एक्सपीरियंस क्या है, मतलब 5 साल के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस होगा, मतलब बट आते थे ऐसे लोग कि इसने हगीज की ऐड की है, इसने कोलगेट की ऐड की है, अभी हम मेरी मम्मी बोलती थी गणपति में नाचता है, हगीज भी किया होगा, हां नहीं मेरी मम्मी बोलती थी गणपति में नाचता है, फर्स्ट प्राइज लेके आता है, ऐसा सब बोलती थी। मेरी मम्मी को पता नहीं, बोली नहीं, पता था कैसे बोलती, कुछ पता नहीं था, स्कूल में फैंसी ड्रेस में जीत के आता है मम्मी, ऐसा बोलती थी। फिर बाद में पता चला कि मतलब इसमें तो नहीं होने वाला है, तो वी वांटेड टू क्विट, क्योंकि अभी इतना 2 साल लगा दिया पूरा स्कूल के बाद, हमेशा जाता था मैं बैग वैग लेके, डब्बा वब्बा लेके, तो नहीं हुआ, और ट्रैवलिंग 2 घंटा, तो अभी मेट्रो भी नहीं थी। तो फिर बाद में वी वर अबाउट टू क्विट, एंड एक ऐड मिल गई SBI कोऑपरेटिव, उसका ऑडिशन था वो, उसका 1 वीक बाद आई गॉट अ रिवॉर्ड, इट वाज अ डॉक्यू फिल्म जो बैंक में आती है, तो वो मिला, एंड देन फ्रॉम दैट डायरेक्टर ही गेव अस मोर कॉन्टैक्ट्स, एंड फिर बाद में एक और एक ऐड की विद गिविंग ऑडिशंस, रिजेक्शंस तो थे ही, पर एक ऐड की थी ऑफ चॉकोली विद चॉकलेट, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी सर एंड अश्विनी अय्यर तिवारी मैम, हू आर द डायरेक्टर्स ऑफ दंगल एंड वेरियस अदर फिल्म्स। तो वो मिली, एंड वो मिलने के बाद यू आर लाइक बस अभी हो गया हमारा, हो गया अराइव। बाद में पता चला 6 महीने बाद हमको कॉल आया कि नहीं होने वाली रिलीज, या डब्बे में गई है, क्योंकि इसका ना लीगल इश्यूज है, तो नहीं हो पाएगा। लाइक यार हम लोगों ने 6 महीने भी गए, 1.5-2 साल तो गए, कुछ नहीं होने वाला। फिर वापस ऐसे ऑडिशन देते रहे, फिर ऐसे 100 लोगों के बच्चों के ऑडिशन में हम लोग जाते थे, 2 घंटे ट्रैवलिंग। तो एक ऑडिशन मैंने दिया था 2 क्रोसिन खा के रात को 11 बजे, छोटा बच्चा था, थक गया था, नहीं मतलब एक सुबह खाया था एक रात को, सो वो मैंने दिया था ऑडिशन, सॉरी ब्रो, तो दिस इज मोहित प्रसाद। सो ये ऑडिशन दिया था, तो ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था, बूस्ट की ऐड थी, एंड हमको पता नहीं था, तो हम लोग गए सेट पे, गए शूट हुआ, हमको कॉल पे बोल रहे हैं आप लेट हो जल्दी आओ, तो रिक्शा वाला बोलते हैं कि ऐसे बोलना चाहिए था ना सचिन तेंदुलकर के वहाँ जाना है, तो हमको लगा यहाँ सचिन तेंदुलकर का घर होगा, बाद में वी गॉट नो दैट द ऐड इज विद सचिन तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी, एंड देन सरप्राइजिंगली ऐसा मिरेकल हुआ कि मेरे को किसी ने बोला था ये ऐड देखी मैंने, तो आई वाज लाइक अच्छा बूस्ट का ऐड देखा होगा, एंड देन दे टोल्ड मी कि वो चॉकलेट की चॉकलेट ऐड थी, तो व्हिच वी थॉट कि वो डब्बे में गया, एंड देन उसके बाद बूस्ट की ऐड रिलीज हुई, एंड देन ऐसे करते करते आई गॉट टीवी सीरियल सोनी चैनल का नंबर था, देन बूगी उगी, एंड देन थैंकफुली डांस आल्सो, या मैंने बूगी उगी में डांस किया हुआ है। अरे मैं बूगी उगी का बताता हूं, अभी मैं थोड़े दिन पहले मतलब इसके बारे में बात हो रही थी किसी दोस्तों के साथ, तो उनको नहीं पता था जय ठक्कर कौन, तो मैंने बताया उसको कि जय ठक्कर, और टीवी पे चलाए बूगी बूगी में डांस, ओहो हो हो क्या डांस, के इतना सा है ये, इतना सा होगा 2006 और 5, 5. इसने संस्कृत में बहुत ही अच्छा श्लोक बोला, इतना प्यारा बोला, सब वहाँ पे जो भी जजेस, ये मेरे को घर पे मतलब जो कॉम्पिटिशंस होती थी ना उसमें मैंने सब श्लोक लोग सीखे थे। आप सुनना एक बार, आप सुनना, आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा इतने अच्छे से उसका अनुवाद कर रहा है श्लोक, कट टू कट एक एक शब्द बोल रहा है। और जब अभी वडोदरा में मैं इसके साथ शूट कर रहा था, तो हमें पता चला कि ऐसा मतलब कि कास्ट हुए है वर्कशॉप वगैरह में, तो मैं इसे एक बार बोला था कि तू भगवान का बच्चा है, याद है तुझे, मैंने बोला था कि इतना टैलेंट 5-6 साल के बच्चे में, और इसके एक्सप्रेशंस वगैरह देखना, कॉन्फिडेंस देखना, ऐसे बैठा हुआ है बात कर रहा है, मतलब सब में नहीं होता है इसमें जो टैलेंट है ना, अल्टीमेट उस उम्र में समझ ही नहीं होती है। और ये हम 4-5 लोग बैठे, पांचों में सबसे सीनियर, सबसे सीनियर रहने दे, वरदान दे देगा। इन दोनों का इंट्रोडक्शन आई हैव टू गिव सेपरेटली बिकॉज़ अरु लव्स यू बोथ टू मच। Thank you so much. She's been telling me about you since I think last night, मतलब मुझे उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप दोनों के बारे में बोला, एंड ऑल ऑफ यू ऑल, जबकि वो भेजती नहीं है सबके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आप दोनों
यू वर्क इन सो मेनी एपिसोड्स, एपिसोडिक से आपने शुरुआत की थी एंड क्राइम शोज में, एंड एवरीबडी लव्स क्राइम शोज इन इंडिया, बट लाइक टू उसमें काम करना इज अनदर लेवल, वो बहुत अलग लेवल ऑफ अग्री है, इट्स अ डिफिकल्ट वर्क. तो आप दोनों की जर्नी कैसी थी एंड यू बोथ हैव वर्क विद ईच अदर कितने ही साल से, तो कितना अच्छा लगता है अभी कि यू नो फाइनली. अभी मैं ये बात कहूँगा कि जैसे अभी अनमोल है, जय है, प्रीता है, अभिषेक का तो मैं इस प्रोजेक्ट में मिला हूँ UP65 के, बट इनसे मेरी जो बॉन्डिंग है ये क्यों इतनी स्ट्रांग होगी पता है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो हिज स्टोरी, आई ऑलरेडी नो हिज जर्नी, तो हमारी सबकी जो जर्नी हुई है ना वो बहुत सिमिलर हुई है कि हमने स्ट्रगल बहुत किया है, लाइक वी केम फ्रॉम नोवेयर, हमने शुरुआती वहाँ से की जहाँ से अभी आजकल के टाइम पे कभी कभी क्या होता है जो लकी लोग रहते हैं फैमिली में कोई है तो some people just get into the industry and they start getting work and everything. लेकिन हमने भी started from the roots. तो मैं इसे जय से, प्रीतम से, अनमोल से, हम सब इसलिए इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाते क्योंकि हमें स्टोरी पता है एक दूसरे की. हम मिलते थे, एक बंदा है जो भी काफी अच्छा काम कर रहा है वहां पर मिलते थे, हाय ऐसे करके मिलते थे, मतलब हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता था, हमें पता है कि ये काम किया है, काम किया है, अच्छा काम किया, दोनों एक दूसरे को शक्ल से जानते थे, पता है कि ये भी इंडस्ट्री में काफी सालों से मैं भी हूँ तो हमने देखा है दोनों रगड़े खा रहे हैं हिसाब से हम कर रहे हैं. oh, okay. हम लोग भी ऐसे मिलते हैं, क्राइम पेट्रोल में साथ में किया था एक एपिसोड, तो ऐसे मिलते हैं हम लोग, एक दूसरे को अभी भी याद रखते हैं. yes, जय की मम्मी कैसी है, जय की मम्मी की तो सारी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरी मम्मी भी सबसे सीनियर है वेरी सीरियस स्ट्रगल्ड अ लॉट, मतलब 19 साल तो अभी हुई बट इफ यू सी 16 इयर्स मेरी मॉम ने मेरे साथ जर्नी में इतना स्ट्रगल किया. माय डैड वाज रियली नॉट अप्रूव्ड विद माय थिंग, मेरी मॉम ने, सो डेफिनेटली माय क्रेडिट गोज टू माय मॉम. या यू शुड गिव एवरी पेनी यू अर्न टू हर, क्रेडिट टू माय मॉम. यस या यस भाई तू पहले शुरू करना, कहां से तूने शुरू किया अपनी जर्नी तो बता, ये तो ऐसे ही बताया कि मेरा भी बहुत सिंपल है जैसे बहुत रिलेटेड है कि अभी एक दिन ये हो रहा था कि मैं टीवी देख रहा हूँ. ओके एंड नॉर्मली ऐसी टीवी देखते देखते मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया एंड आई रैंडमली टोल्ड माय मॉम कि मुझे भी टीवी पे आना है. मैंने सिर्फ इतना ये एक सेंटेंस कहा, सो इट्स ओके मम्मी, लाइक क्योंकि सेम फाइनेंशियल स्टेटस वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, फैमिली इश्यूज, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, मैंने करके छोड़ दिया बट मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे आना है, आना है, आना है, आना है. तो मैंने काफ़ी टाइम तक मॉम के पीछे पड़ा रहा, तो मेरी मम्मी ने अपनी सिस्टर से कहा कि एक बार देख ले, ही वॉन्ट्स टू एक्ट इन टीवी एंड ऑल, तो इसका सिर्फ एक ख्वाहिश शौक पूरा हो जाएगा, एक बार देख लेगा खुद को टीवी पे तो शायद फिर हो जाएगा, चुप हो जाएगा. लेकिन तभी पता नहीं था कि इतना मुश्किल होता है वो एक ब्रेक मिलना ही. तो मेरी मासी जो मॉम की सिस्टर है उन्होंने न्यूज़पेपर में स्टार्ट किया देखना, तो एड्स आते न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे हमें हीरा पन्ना मॉल जो है अंधेरी में वहाँ के किसी का ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया था छोटा सा. तो एड पहले न्यूज़पेपर में आती थी, न्यूज़पेपर में आती थी, न्यूज़पेपर में. ये तो उस जमाने से कौन से सदी से हो गए, न्यूज़पेपर में हमने देखा और फिर हम उस लोकेशन पे पहुंचे और हमने वहाँ पे जाके बोला, तो उन्होंने कहा इतने इतने पैसे लगेंगे, आप अपना पोर्टफोलियो बना लो. हमने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो हमने पोर्टफोलियो बना लिया, कहीं से अरेंज किया हमने एंड पोर्टफोलियो बना लिया मेरा. फिर उस टाइम पे तो हम वो फोटोज के ना कॉपीज निकाल के ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, हार्ड कॉपीज. अभी ये नहीं होता था कि व्हाट्सएप कर दो, कर दो, वो कर दो, हाँ फोटोज दिए हर जगह. हाँ तो हम जाके उसको सब जगह ऑफिस टू ऑफिस जाते थे. तो 1.5 साल 2 साल वॉज प्योर स्ट्रगल. माई स्केड वॉज सुबह 6:30 बजे स्कूल के लिए उठने का, 7:30 तक स्कूल पहुँचने का, 1:30 तक आई बी बैक एट होम, 2 बजे तक नहाना खाना दोनों, और 2 बजे मैं मीरा रोड से निकलता था मॉम के साथ ट्रेन पकड़ के, चर्च गेट स्लो या चर्च गेट फास्ट जो भी मिल जाती थी, एंड वहाँ से हम अंधेरी पहुँचते थे. अब अंधेरी में पहुँच के आरामनगर, श्री जी, जानकी देवी, महाराज, जितने भी 3-4 जगह जितने भी सब जगह पे हम पूरा कवर करते थे 9-10 बजे तक. फिर वहाँ से बस पकड़ के वापस अंधेरी स्टेशन जाने का. दिस वॉज माई स्केड फॉर 2 to 2.5 years कंटिन्यूसली, एंड इसमें मुझे एक भी काम नहीं मिला. आई एम जस्ट गोइंग ऑडिशन. मैं था तभी 9-10 साल का, जब सिर्फ जा रहा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, सिर्फ जा रहा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, एंड उसमें ये भी हो रहा है कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कुछ हो भी नहीं. मम्मी की साले तेरे शौक की वजह से यहाँ पे हाँ लगी पड़ी हमारी, बट स्टिल शी लव्स मी सो मच कि मम्मी ने कहा कि नहीं शौक तो इसका मैं पूरा करूँगी. देन आफ्टर मैनी ईयर्स मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे अभी भी याद है, वो सीरियस
बाद जब सारे शोज खत्म हो जाते तो एड्स नहीं आते, किड्स का ही था आइकन कॉमिक बुक्स करके, तो वो आइकन कॉमिक बुक का मुझे एड मिला एंड आई स्टिल रिमेम्बर श्रीजीज के यहाँ पे शूट किया था हमने एंड आई वॉज सो नर्वस कि मेरी चार लाइन थी और उसमें से डायरेक्टर ने मुझसे परेशान होकर एक ही बोलवाई और उसने बोला कि तू पहले आधी लाइन बोल दे फिर मैं काटूंगा, फिर तू आधी लाइन याद कर, फिर तू आधी लाइन दे, फिर मैं कर लूँ। तो वैसा था बट आई वॉज सो हैप्पी और तभी मेरे घर से 7 लोग आए थे देखने के लिए कि वो शूट कैसा होता है, मैं बेटा पहली बार कर रहा है ऐसा। सो दैट वॉज द स्टार्ट, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद कंटिन्यूस टचवुड मैंने एड्स काफ़ी किए, हाँ अनु कपूर के साथ किया, शाहिद अफरीदी उमर अकमल के साथ भी किया, काफ़ी एड्स किए मैंने, मतलब जैद ने तो बहुत ही किए मैंने 30-35 एड्स कर लिए। देन आई स्टार्टेड डूइंग टीवी सीरियल्स और मैंने एपिसोडिक शोज जितने भी आते हैं आहट भी किया है मैंने, मतलब हाँ सब किया। तो टोटल मैंने कुछ एपिसोडिक्स अबव 500 किए, एपिसोड्स अबव 500, बहुत एपिसोडिक्स किए मैंने। फिल्म्स भी किए एक दो जो रिलीज हुई और जिसमें कट जाता है फिल्म्स का तो पता है, जब तक आप खुद को थिएटर में बैठ कर देखना ना बताओ नहीं किसी को। तो वैसे कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी इट्स गोइंग वेरी नाइस। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार मेरी स्टोरी इन लोगों से बहुत अलग है। ऐसा है कि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो जो बॉम्बे के होते हैं उनको थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट हो जाता है कि हम यहाँ रह रहे होते हैं और ऐसा। तो मैंने स्ट्रगल सब करते हैं, काम ढूंढने में स्ट्रगल सब करते हैं, सबका एक ही प्रोसेस है, जाओ ऑडिशन ढूंढो, काम मिले, फिर पेमेंट के लिए ऐसे जाओ जाओ, ये एक नॉर्मल बेसिक्स चीज़ है। मैंने क्या स्ट्रगल किया, मैंने स्ट्रगल किया घर में लड़के आने के लिए कि मुझे जाना है। और ये बात है 2009-10 की, जब मैंने बोला था कि मुझे जाना है, तो मैं बहुत छोटा था तो नहीं अभी तो नहीं करो अभी करो करो, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के TI विंग में मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ से मैंने थिएटर स्टार्ट किया। तो थिएटर से क्या हुआ कि जो मैं ब्लेस हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे यहाँ आके एक्टिंग नहीं, मतलब मैं एक्टिंग के लिए काम ढूंढ रहा था, एक्टिंग सीख नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्टिंग का काम जो ढूंढने का जो प्रोसेस होता वो सब ने किया है, वही 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 प्रोसेस है, लेकिन जो एक्सपेक्टर था या जो मेरे को जो थोड़ा सा हाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ों में वो ये था कि रहना खाना और उस एज में माँ बाप से दूर रहे। तो वो मैं था कुछ 17 का था तभी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो और माँ का सबसे छोटा बच्चा और वो घर से बाहर भेज रही है, वो भी घर से बाहर नहीं भेज रही है, बाहर अलग ही सिटी में भेज रही है जो 1300 किलोमीटर दूर है, वहाँ कोई जान पहचान का नहीं है तुम्हारे या कोई रिलेटिव्स रहते तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वही है ना कि आप अगर जुनून से निकलते हो, आप किसी शिद्दत से निकलते हो और आप काम सीख के निकलते हो तो आपको पता होता है क्या। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था यहाँ तो रहने का थोड़ा दिक्कत हुआ था, और टच वुड मैं बहुत ही लकी समझता हूँ या माँ बाप का आशीर्वाद समझता हूँ कि जब मैं आया था उसके 1.5 महीने बाद ही मुझे एक काम मिल गया था। DD नेशनल में मेरा डेब्यू हुआ था और उसमें विशाल वगैरह थे, तो वहाँ से जब शुरुआत हुई तो ऐसा नहीं था कि हाँ मैंने कर लिया, वो वन ऑफ लीड था उसका, 5 दोस्तों की कहानी थी और वन ऑफ लीड था, तो ऐसा नहीं था कि अब हो गया है तो अब तुम्हें ऐसा हो जाएगा, पैसे खत्म, 1000 rupees पर डे मिला था मुझे उसमें, उसमें माँ के लिए साड़ी वाड़ी लेके जाना और ये सब, क्योंकि था कि मैंने लाइफ में पहली बार कमाया है, तो वो मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस टाइम की कुछ कुछ सबके लिए लेके गया था और अपने लिए कुछ नहीं। तो पैसे ख़त्म हो गए, अब पैसे ख़त्म हो गए तो PG में दोगे क्या, रहोगे कैसे, मैं फिर दिल्ली चला गया, फिर वहाँ पे एडमिशन कॉलेज वगैरह में सब, फिर माँ पैसे जोड़ जोड़ के देती थी, फिर 4-5 हज़ार होता था फिर मैं बॉम्बे आ जाता था, फिर ख़त्म होते थे पैसे, फिर दिल्ली, फिर ऐसा 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 चलता रहा। फिर 2017 से मैं यहाँ कंटिन्यू रहा और वो भी किसी से पैसे मांग के लाया था यहाँ पे रहने के लिए कुछ, बट ये है ना कि ईश्वर देखता है तुम्हारी शिद्दत कैसी है, और मेरी शिद्दत ऐसी थी कि मुझे कुछ नहीं आता था एक्टिंग के सिवा, मैं सच बताऊँ मैं कुछ नहीं कर सकता एक्टिंग के सिवा अभी भी, मुझे आप बोलोगे ना यहाँ 100 का 500 मिलेगा चला जा, नहीं जाऊँगा, मेरे को बोलेंगे ना यहाँ 100 का 20 रुपये मिलेगा चला जाए, एक्टिंग है मैं चला जाऊँ। तो 17 में ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैंने एक वरुण धवन के साथ ऐड किया,
उस एड से थोड़े कॉन्टैक्ट इधर उधर हो जाता है ना, चैनलाइज हो जाता है कि आपने काम किया है। और मुझे सबके साथ यूनियन हाँ हाँ होता है, होता है, होता है, क्योंकि रिलेटेबल है। 2017 में मुझे एक फिल्म मिली सोनू के टीटू की स्वीटी, वो मेरी डेब्यू थी। बाबू बाबू दीदी ने बोला, अरे यू आर बाबू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये R&D किया आपने हम पे। इसकी भी कहानी है, जो फर्स्ट शेड्यूल हुआ था तो उसके बाद जब सेकंड शेड्यूल में लव सर मेरे को कह रहे वेट लॉस के क्या, मैंने कहा हाँ सर मैं वो मैंने किया, बट उनको ये नहीं पता था कि मैंने वेट लॉस नहीं किया, मैं इंतज़ार कर रहा था कब शूट आए। और उस दौरान मैं जब पैसे नहीं होते थे तो आप उस प्रॉपर खाना नहीं का मिलता था और वैसा, तो मैंने बोला हाँ सर किया, एक प्रोजेक्ट है इसलिए। कोई भी मुझे कहता ना कि यार दुबला पतला हो गया यार एक प्रोजेक्ट के लिए कर। कोई भी कहता अगर कभी मैं कपड़े अच्छे नहीं पहन के जाता हूँ तो बोलते यार ड्रेसअप कैरेक्टर में हूँ ब्रो, कैरेक्टर उस प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ, सॉरी सॉरी ना कर। तो ऐसे ऐसे करके हम बचाते हैं, इनके साथ भी होता होगा कई चीज़ें जो हम बहाना मार लेते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो 17 में मैंने डेब्यू किया, उसके बाद 18 में वो मूवी आई। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी फिल्म, मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस काम के बाद मुझे थोड़े आने लगेंगे काम, मुझे 2.5 साल कुछ काम मिला। ऐसा होता है बहुत बार जब हम बहुत बड़ा ब्रेक मारते हैं। मेरे साथ भी एक मैंने शो किया तो उसमें ऐसा ही हुआ था, मैंने सोनी का किया था एक दूजे के वास्ते, उसमें भी मेरे पास 2 साल बाद में ये UP65। अच्छा उसमें एक और चीज क्या होता है कि आपके पास जब कुछ काम नहीं आता है तो छोटे छोटे काम बहुत आते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी इतना अच्छा कर लिया। वही वाली बात है ना कि आप एक क्षेत्र से आप MLA लड़ गए, MLA बन गए, उसके बाद आप मुखिया के लिए थोड़ी ना इलेक्शन। तो वही वाली बात है कि एक अच्छा कैरेक्टर, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर आपने कर लिया, और 2.5 साल मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं बेसिक चीज़ों को मैं करने लग गया जहाँ मुझे संतुष्टि मिलती थी, जहाँ मुझे जो एपिसोडिक से मैंने शुरुआत की थी। बट मुझे ये था कि मैं यहाँ सीखता हूँ और मेरा घर चल रहा है, तो मुझे कोई शर्म नहीं, आज भी मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं शो में बोल सकता हूँ कि क्राइम पेट्रोल एक ऐसा एपिसोडिक शो है जिसने मुझे एक्टिंग सिखाई, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप बड़े से बड़े डायरेक्टर के पास खड़े होकर ना बिंदास एक्टिंग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, आप हार्ड हो। ऊपर मैंने आपको इसलिए गर्मी की चीज़ बताई क्योंकि हमें जब हम शो करते हैं हमें पता है कि छोटा बजट है, छोटा शो है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है, तो हम बहुत कुछ सीखे हैं वहाँ से। आज बड़े प्रोडक्शन में हमें बोलते हैं ना सॉरी सर वो चोकोलावा ये नहीं है वो नहीं है, अरे इसका ये क्या होता है। ये तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पानी दे दो यार बहुत है। तो ऐसा मैं शुक्रगुजार हूँ शो क्राइम पेट्रोल का कि हमें उस लाइक बनाया, अदरवाइज हम ऐसे नहीं होते, हम भी वही होते कि नहीं है अच्छा चलो जब आएगा तब शो शुरू करेंगे हम शूट। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आगे भी जब भी मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी फिल्म भी करूँगा तो मैं खुले दिल से और बेझिझक मैं बोल सकता हूँ कि मैं मुझे बनाया क्राइम पेट्रोल ने। तो अरुण हो रही है आंसू आ रहे अंदर। तो उसके बाद फिर 2.5 साल काम नहीं, और उस काम के टाइम ऐसा नहीं होता है, काम नहीं होता तो सिर्फ ये नहीं होता है काम, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर घर से, प्रेशर खुद से कि स्किल्स तो अच्छे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर बोल रहे तूने अच्छा काम किया है, फिर क्यों नहीं काम हो रहा, फिर कहाँ बात रह रही है, कहाँ नहीं हो रहा है, और उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं। बट मैंने फिर टाइम पे छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है होता ही है, मैं लगा रहूँगा। वही वाली बात है ना, आप 10 जगह गड्ढा खोदोगे इस पर गड्ढा खोदा नहीं, ये गलत है, ये 10 जगह गड्ढा खोदेंगे तो नहीं मिलेगा, एक जगह गड्ढा खोदा और वही खोदते रहे तो पानी मिल जाएगा। अगर ये सोचा ना खोद दिया अब निकल नहीं रहा पानी, छोड़ यानी यहाँ करते हैं तो जो आना था वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी। तो मैं करता रहा। फिर टचवुड 2021 के बाद मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई, मैंने मत्स्यकांड एक सीरीज है वो किया MX के लिए, उसके बाद टीटू अंबानी की, उसके बाद मैंने वाइल्ड पंजाब किया लव फिल्म्स की,
अभी यूपी 65 जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और इसके बाद और लाइनअप है जैसे संजय बाबा के साथ एक फिल्म है संजय दत्त सर के साथ द वर्जिन ट्री, तो सबके हैं अपकमिंग, इन्होंने बोला नहीं तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। इस वक्त के दौरान मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त, इन सब ने बहुत साथ तो यही है, ये है उन लोगों का साथ है। अभी भी कुछ भी होता है तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे वक्त हुए जहाँ मुझे 500 रुपये मांगने पड़ते थे, तो ये दोस्त है, ये सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। ठीक है, ये एक फेज़ है, मुझे मालूम है कि ये इमोशन है, ये इमोशन में रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, एक जगह ठहरेगा नहीं, बट हमें पता है आज ये पीरियड है तो हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। तो मैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं कि काम नहीं है यार बॉम्बे में, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, रुकना मत। किसी की कहावत है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ना भाई, जब तक करना लो। That's it. Thank you so much. आप अगर आप और बोलते तो हम शायद सभी रो देते। मैं एक छोटी चीज कहना चाहूंगा प्रीतम के बारे में, तो मैं इस बंदे को 5-6 साल से जानता हूँ, एंड इसके बारे में एक चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी है कि हर किसी का एक नज़रिया होता है लाइफ को देखने का, एंड इसका जो नज़रिया है ना ज़िंदगी को देखने का वो बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ नज़रिया है इसका। एंड इसने मुझे एक बात बताई थी, इसने आज कही नहीं ये बात, कि जब भी ऑडिशन जाता था और स्ट्रगल करता था काम के लिए जैसे हमने सबने किया, तो एक किस चीज़ से मोटिवेशन लेता था, फ्रॉम अ सॉन्ग, एक छोटा वो है ना भर दो झोली है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद को जो है वो ये सुनकर ऑडिशन जाता था रोज़, उसे उससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता था, उसने मुझे ये बात बताई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट। और मैं गोरेगांव से वहाँ कहाँ आरामनगर रोज वॉक करके जाता था, और वही सुनकर ऑडिशन जाता था। तो मतलब देखो, इंसान अपने लाइफ में मोटिवेशन लेना चाहे तो किसी भी चीज़ से ले सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। गूगल पे नंबर बता। ओके, अरे वाह, आप बड़े क्लैप कर रहे हैं, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। दैट वाज द एंड ऑफ राउंड वन, लेट्स क्विकली टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सिप आवर कॉफीज, पियो, एंड वी विल बी बैक। जब भी आप कहेंगे तभी पियेंगे हमारा। थैंक यू। Welcome back. आप आ गए. Thank you. Let's talk about love because I'm very very excited. I am all about love. तो मुझे बताओ कि कितने साल हो गए आपको relationship को? 3 years. Oh. 3 years. किसने पहले propose किया? उसने actually. Oh, wow. Yeah. So I'll मैं बता देता. Of course, of course. So what happened is engineering कर रहा था graduation में, and I was in I guess second year. एंड बिल्कुल वापस पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मैं दिन भर घूमने वाला लड़का था, मतलब मैं एक्चुअली सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ UP 65 से भी, बिकॉज ऐसे कि जेन्युइनली मैंने वैसी लाइफ जी है, मैंने सिर्फ बकचोदी ही की है 4 साल, और मुझे ही पता है कि मैं कैसे पास हुआ हूँ। फर्स्ट ईयर के जो KT बैकलॉग्स लगते थे वो मैं 3rd ईयर तक लेकर जा चुका हूँ, जब मुझे पता चला कि नहीं अभी इससे आगे लेके जाऊँगा तो मुझे ड्रॉप लगेगा, मैंने तब कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है, जुगाड़ कर लिया कि हाँ चलो यार कुछ कर लेते करके, एंड तब मैं पास हुआ हूँ, तो मैंने तो बहुत मजे किए। तो सेकेंड ईयर में आई एक्चुअली शी इज़ इन अ डिफरेंट ब्रांच, मैं मैकेनिकल में, शी इज़ इन अ डिफरेंट ब्रांच, तो टाइम टेबल बहुत अलग होता है। सो हमारा एक फ्रेंड ग्रुप में ऐसा, मतलब शी इज़ म्यूचुअल फ्रेंड, सो शी यूज़ टू कम, हम ब्रेक में मिलते थे। सो व्हाट हैपेंड इज़ हमारा टाइम टेबल बहुत डिफरेंट होता है, सो जब भी उसका ब्रेक होता था ना, मेरा एक लेक्चर होता था, और मैंने पूरा साल वो लेक्चर नहीं बैठा जस्ट बिकॉज मेरे को मिलना है, मेरे को जानता भी नहीं, बस ग्रुप में खड़े रह लूँगा, बात बात हो जाएगी, थोड़ा हो जाएगा करके। सो वैसे ही धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, बातचीत शुरू हुई, एंड जैसे ही हम लोग ऐसा थोड़ा क्लोज होने लगे, लाइक अंडरस्टैंड समझने लगे, लॉकडाउन हो गया। एंड देन लॉकडाउन हो गया तो मैं तो लॉकडाउन भाई मुझे पता था कि उम्मीद खत्म, अब तो कुछ नहीं होने वाला, चैट तो हमारा है ही नहीं भाई, पावर चैट पे हमसे होगा नहीं कुछ। सो आई लिजिट लॉस्ट होप्स, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, हाँ चलो चैट पे भी, सब बोर हो रहे थे घर पे, तो हमने चैट करना शुरू किया धीरे धीरे। बहुत रिलेशनशिप
मतलब लॉकडाउन में सिर्फ विकी कौशल और इसने बहुत एंजॉय किया। तो फिर वहां से चैट करना शुरू किया एंड देन धीरे-धीरे वी स्पोक लाइक अराउंड वी टू 2-3 महीने मतलब वी न्यू इच अदर बहुत लंबे टाइम से बट देन चैटिंग 1-2 महीने चली एंड देन सडनली वन डे शी डिसाइडेड शी शुड सेड बिकॉज वी वर बिहेविंग लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बट हम लोगों ने नाम नहीं दिया था रिलेशनशिप को टैग नहीं दिया था जस्ट बिकॉज वी वर गेटिंग पजेसिव वी वर थिंग अरे तू ये क्या कर रही है वे क्या कर रही है ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग बट देन हम लोगों ने बोला नहीं था कि यार कि यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड देन वन डे शी सडनली सेड इट कि नहीं करते एंड आई वाज स्टिल स्कैर्ड आई सेड नो यू सेड नो आई सेड नो एट द स्टार्टिंग आई सेड नो एंड देन आई वाज वेरी स्कैर्ड मैंने ऐसा बोला कि नहीं यार मैं तो कभी किया नहीं लाइफ दिस माई फर्स्ट रिलेशनशिप बाय द वे तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार तुम पे आएगा सवाल अब बस तो या आई वाज लाइक नो बोल दिया था बट देन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार रिग्रेट हो जाएगा आई शुड चेंज इट एंड देन आई चेंज वो ही चैट वैट करके एंड देन वी वर इन अ रिलेशनशिप ये वीडियो में घर पे नहीं दिखा सकता नहीं नहीं दिखाओ ना कोई नहीं घर से बाहर जाना पड़ेगा अरे अभी सीरियस कर लिया हां उसके बाद तब तो दिखा सकते हैं ओके क्या मतलब रियल लाइफ अखिल है 65 से चालू है किसी को ऑब्जर्व करता था आप कुछ पूछना चाहते हैं या मैं खुद बता दूं बताओ मैं बताना क्या है वैसे प्यार मोहब्बत इश्क रिलेशनशिप क्या आप अभी रिलेशनशिप में हो अभी फिलहाल मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ मैं सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में हूँ अपने काम से ये सब सोच के आया ये बोला था ना आज सोच के आया हूँ इसलिए ये सोच के आया हूँ अभी थोड़ी देर में चिट्ठी निकाल के सब पढ़ूंगा अभी अभी मिटाया ओके सो यू गाइस आर अभी के जनरेशन के वी ऑल आर मैं से कॉलेज में बूढ़ी हो गई हूँ बट लाइक अभी जैसे तुम दोनों एकदम पक्के आशिक हो लाइक यू आर वेरी लाइक होपलेसली रोमांटिक पीपल व्हिच इज अ गुड थिंग व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग आई लव लाइक गर्ल्स लव इट लेकिन अभी इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो रिलेशनशिप्स नहीं दे आर कॉल्ड सिचुएशनशिप्स आई थिंक यू नो एंड आई एम वेरी श्योर यू ऑल हैव ईदर एक्सपीरियंस्ड या फिर आपने सुना होगा पढ़ा होगा सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट यू टेल मी न्यू जनरेशन आई थिंक डू यू अग्री विद इट डू यू नॉट अग्री विद इट आर यू ओके विद इट टू बी रियली ऑनेस्ट पीपल हैव यू नो लॉजिकली उसको एक टर्म देके एक उसका एक पीछे रीजनेबल चीज बना दिया है एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा होता है एंड आई थिंक पर्सनली इट्स माय ओपिनियन ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन बट आई थिंक दैट आइदर इट इज कमिटेड और आइदर इट इज नॉट ऐसा सिचुएशनशिप इज बेसिकली अ वर्ड जो बीच में रहता है एंड आई थिंक सो जो दोनों उन चीजों में रहते हैं दोनों का टाइम वेस्ट है एंड आई थिंक सो टाइम इज समथिंग टाइम इज मनी वी ऑल नो दैट तो आइदर यू लाइक ही सेड आइदर वी शुड मूव ऑन और आइदर वी शुड यू नो आइदर वी शुड स्टिक टू इट एंड फिक्स्ड the things that are between us इन्होंने जो बोला था ना एक ही जगह गड्ढा खोदो मैं उससे रिलेट कर रही थी चल ये सब हो गया अब अपने बारे में आई इवन लव मुद्दे पे जय बेसिकली एक्चुअली ऐसा है कि मतलब काम के उसमें मैं इतना व्यस्त रहता हूं नहीं नहीं काम काम आता हूं मैं आता हूं ब्रीफ सुनने पड़ते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है लड़कियों के लिए नहीं हां सो टाइम नहीं मिलता डेफिनेटली बट या देयर इज अ वुमन इन माय लाइफ एंड भर भर गए मतलब नहीं है इतने अच्छे प्यारे प्यार भरे लोग हैं इस शो में सो या सो शी देयर इज अ वुमन इन माय लाइफ एंड very supportive to me and I cannot disclose her name kyunki ghar pe jana hai and yeah but mostly my time goes to this thing but we are like ek jo relationship mein hota hai communication right. it is very nice and I think so that is the basic factor to trust communication jo hota hai so yeah all the best cute thank you so cute cute yes. यस मत बोलो तुम सोचो आंसर तुम्हारा मैं इससे पूछती हूँ अच्छा यार तो फिर मत रो ना ये दिल
ये मैं बताता हूँ, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो जो चीज है इसको मेरे से पता है, यहाँ सबसे बेहतर इसको पता है क्योंकि हम लोग शेयर करते थे बैठते थे। हाँ अरे तो एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन सब चीजों के, और एक लड़की थी मैं सोच रहा था कि है या थी बोलूं, तो एज अ रिलेशनशिप में थी, तो अभी है वो, अच्छी है, खुश है। एक लड़की थी दीवानी सी और उसके लिए कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम हर खुशी, प्रेम हो, प्रीतो मन में तो मेरा मलाड का सबकी लाइफ में एक रिलेशनशिप होता है ऐसा कि होते बहुत होंगे लेकिन एक ऐसा होता है कि वो फिर लाइफ टाइम आपको याद रहता है। तो थी एक लाइफ में मेरी भी ऐसी, एक रिलेशनशिप में था मैं, और कुछ 7 ईयर्स हम लोग साथ रहे और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस था, तो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है भाई, मतलब कि पास रहते हो तो आप जाके बता देते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें और ये नहीं है वो है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो बहुत सपोर्टिव थी और मतलब आज मैं यहाँ पे डटा रहा, टिका रहा, उसमें उसका बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। इवन उसने मेरे, पता नहीं उसके पापा मम्मी सुनेंगे तो कैसा, उसने मेरे रेंट भरे हैं, उसने राशन के पैसे मुझे दिए कि जा राशन ले के आ, तो ऐसी चीज़ें होती थी और बहुत अच्छा था। बट वही है, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, तो नहीं होती है ऐसी चीज़ें, फिर हो गया, किसी वजह से हो गया, बहुत एक वजह से नहीं होता है एक्चुअली, क्या होता है धीरे 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 ना बहुत सारे फैक्टर्स बनते जाते हैं और वो वैसा हो गया कि आज हम साथ नहीं हैं, बट ये है ठीक है, मैं दुआ करता हूँ वो जहाँ पे भी हो खुश हो, जिसके साथ भी हो खुश हो, क्योंकि मैंने बताया कि वो मेरी लाइफ का या मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में उसने जो किया वो मतलब मेरे फैमिली के अलावा और किसी ने नहीं किया होगा, तो खुश रहे जहाँ भी रहे। बता अगर वो वापस आ गई आप? नहीं, वापस का तो वैसा सीन नहीं है, कुछ भी वापस तो नहीं आएगी क्योंकि But do you wish for it? हाँ, कोई भी अगर आपकी लाइफ में इतनी अच्छी, अगर आपकी लाइफ पार्टनर है और आपको सुकून मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है उससे, तो क्या हर्ज है। बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि फिर उसके बाद रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो जुड़ेगा नहीं, गांठ पड़ा हुआ है, तो खैर ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ जहाँ पे भी हो, जिसके साथ भी हो, इवन जब उसकी शादी भी हो जाए तो खुश रहे, जिसके साथ भी हो खुश रहे बस, क्योंकि प्यार और पसंद में यही फ़र्क है कि जो आप किसी फूल से प्यार करते हो, तो और पसंद करते हो, उसमें फ़र्क होता है। पसंद करते हो तो तोड़ लेते हो, प्यार करते हो तो रहने देते हो, चाहे वो आपके पास है नहीं है, आपको देख के खुश है, खुशी मिलती है, तो ऐसे ही है मेरा, तो ठीक है जहाँ रहे खुश रहे। मैं आपके वो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा, सिचुएशनशिप के बारे में, बिकॉज़ ही इज वेरी इनटू, ही इज 21, यू विल नो बेटर। हां, एज एज, सो नाउ मतलब मेरा ये मतलब मानना है कि अब प्यार एक जो पहले कैसा होता था कि इट वाज प्योर, मतलब एकदम, नाउ बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया और भी काफी सारे ऐप आ गए, तो जो मैग्नेटिज्म है ना वो काफी बढ़ गया है। अब वो ऐसा नहीं है कि अब या आप उसके लिए, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ किसी भी लड़की को, अगर मैं प्यार करूंगा तो एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। नहीं, मेरा भाई भी ऐसा बोलता था, मैं थक जाता हूँ, हो गया ब्लोजन, हो गया। हाँ यार, ये इस एज में। सो अब ऐसा है कि इफ़ यू वॉन्ट लाइक पीस ऑफ माइंड, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आगे जाकर ना लाइक 2-3 marriages and all, like ऐसा है, अब सब बनने नहीं वाले। हाँ, दस साल में वो होते रहेगा और लोग काफी पीसफुली उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब वो नहीं रहा कि यार यही चाहिए, यही बन, मैं इसके लिए मर मिट जाऊंगा, वो चीज, बट वो प्योरिटी का एक वो क्या बोलते हैं फ्लेवर अलग था, अब वो फ्लेवर नहीं है, बट है कि अब लोग पीसफुल ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जल्दी से मतलब है कि अरे वो क्या कर रही है अभी, मैं जरा देखूँ क्या चल रहा है, बिकॉज अब वो मैग्नेटिज्म रहा नहीं। So, इस चीज को एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा और मतलब गो विद फ्लो, अगर प्यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन लाइक अ ट्रू जेन ज़ी।
सबसे स्मार्ट लड़का, सबसे खूबसूरत लड़का, ये बात है। अच्छे से जस्टिफाई किसी ने नहीं किया जितना अच्छे से इसने जस्टिफाई किया। वेरी नाइस, गुड आंसर। थैंक यू, थैंक यू। या या तुम्हारा ट्विन भी मानता है? दोनों वाला नहीं, एक्चुअली सुना है नहीं। एक्चुअली क्या होता है, लास्ट में जब आंसर करते हैं ना सबके मुझे क्या करना है, वही चीज। लेकिन हाँ, इसका इसका विजन बहुत क्लियर है और ऐसा वो नहीं है इसका। एक्चुअली हम ऐसी फैमिली से आते हैं ना, मेरे मॉम डैड को अभी जस्ट 11 मई को वो लोग 40 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किया, तो हमारी ऐसी 11 दिसंबर मेरे मॉम। नाइस नाइस, एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। तो फैमिली परिवार हो रहा है, तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पे ये होता है कि एक है तो है, एक है तो है। हाँ यही, तो हमारे इसलिए हमारे थॉट्स ऐसे हुए हैं कि भाई, भी ऐसे भाई, है भाई, 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 वो भी उसके बाद उस ब्रेकअप के बाद 3 साल हो गए मेरे को, उसके बाद मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। तुम्हें अलाउड है सर? नहीं अलाउड है, बट वैसा नहीं, अब तो ये है शादी करूँगा तो जो पसंद आई शादी। एक और चीज में बोलना चाहूंगा, आजकल ना एक टर्म है ऑरा, ये एक ऐसी टर्म है ना कि अब ये इतना ज्यादा वो हो गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है यार, उस लड़की की वाइब अच्छी नहीं है यार, उस लड़की की वाइब अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करना है। तो एक बहुत से लोग तो गोस्ट कर देते हैं यार, ये सारे टर्म्स है, बेंच हो जाते हैं। बेंच क्या होता है? बेंच होता है वो होता है कि लाइक दे आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब उसको बेंच बोलते हैं, उसको बेंच बोलते हैं। हम गलत हैं क्या बोल रहे हैं? टिंडर, टिंडर बंबल, टिंडर बंबल, बेंच हो जाता है। ओके कंटिन्यू। या सो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब वो नहीं रहा, जैसे मेरी मॉम और मेरे डैड इज लाइक इनसेपरेबल, अब उनके लिए कि आप वो देख ही नहीं सकते पापा को, पापा उनके बगैर देख नहीं सकते, एंड दैट लॉयल्टी उनकी आंखों में दिखता है। ओके आई एम जस्ट गोना क्विकली आस्क यू वन क्वालिटी जो आप अपनी गर्लफ्रेंड स्लैश पार्टनर में देखना चाहते हो इन फ्यूचर, वन क्वालिटी स्टार्टिंग विद यू। सपोर्टिव, क्योंकि हम ऐसे इंडस्ट्री से हैं कि उसका सपोर्ट बहुत मायने रखेगा, हमें हम कहाँ होंगे उसके सपोर्ट से होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो जितना मुझसे प्यार करती हो उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे मेरे फैमिली से करे। क्या बोल रहा, वही बोल रहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, बिकॉज जैसे उसने बोला लॉन्ग डिस्टेंस, मेरा भी वैसा ही है, बट मेरा इट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ मी, इफ यू थिंक हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग है, एंड आई थिंक सो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लैकिंग, एंड जो है टच वुड, वुड नहीं है, वुड है ना, वुड पांच था ना, ठीक है। सो आई थिंक दैट एवरीथिंग इज गुड इन प्लेस राइट नाउ। सो तो है, तुम क्या बोलोगे कम्युनिकेशन तुम्हारे? फैमिली तो एक है ही, कॉपी नहीं करता, नहीं नहीं कॉपी नहीं, दूसरा दूसरा दिमाग में रखा, तब जब तक वहाँ पर आया तब तक आ गया था। और दूसरा फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, मतलब एक चीज़ वो मैं मानता हूँ कि आप चाहे दूर रहो पास रहो, अगर आपको पता है कि आप किसी चीज़ के को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो रहना बहुत ज़रूरी है दिमाग में एटलीस्ट। तो वो चीज़ जो भी आपका पार्टनर है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, दैट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कि लाइफ ब्रिंग्स यू डिफरेंट सिचुएशन एंड उसमें वो साथ में रह के उसके साथ अडेप्ट होने वाली होनी चाहिए, दैट्स द क्वालिटी दैट आई लुक। ओके बहुत हो गया, तुमने बहुत अच्छे सुशील वाले आंसर दे दिए। आस्क यू व्हाट टर्न्स यू ऑन क्विकली अबाउट अ वुमन, व्हाट टर्न्स यू ऑन, लाइक देखते रहते हो ओह माय गॉड कुछ हो रहा है अंदर, उफ मेरे से क्यों शुरू? व्हाट टर्न्स यू ऑन फ्रॉम लाइक देखते से क्या, जब जब कुछ काम रिलीज होता है हमारा, मतलब सबका अलग अलग होता है ना, मेरा वैसा है, कुछ भी काम रिलीज होता है तो आई फील रियली गुड जब वो काम को सब जगह वो वॉलंटरीली शेयर करती है और वॉलंटरीली सब लोगों को बोलती है कि यू नो अपना खुद का डिस्क्रिप्शन डाल के सबको भेज दे। आई थिंक व्हाट ओरिजिनली Yes, it's a very
सोफिस्टिकेटेड आंसर बट ये फैक्ट है मेरे बारे में ओके अभी जब हम शूट करते हैं व्हेन आई सी अ फीमेल अगर कोई फीमेल को आर्टिस्ट होती है एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इन अ वर्क है ना और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस से अपना काम करती है तो मुझे वो चीज़ एक बहुत है ना आई फील लाइक आई वांट दिस गर्ल मतलब अगर कोई बंदी है तो बहुत हार्ड वर्किंग नहीं नहीं सच्ची समझ में आया यही मेरे साथ हुआ बोल रहे हैं हमको पता है महाराज नॉनवेज ही है भाई देखो लड़की ऑब्वियसली हम कब ऐसे ऑन होते हैं कि कोई लड़की है और मेरा तो ऐसा है कि लॉन्ग नेक लंबे लंबे बाल कोई जानवर रुक जा मुझे बोल रहे लॉन्ग नेक हाँ लॉन्ग नेक और लंबे बाल और कस्तूरी में अभी अपने बारे में के बारे में कस्तूरी में एक्टिंग कस्तूरी को एक्टर नहीं कस्तूरी मतलब एक खुशबू आती है हिरण में से यही है हाँ वही है स्लिम ड्रीम स्लिम ड्रीम मैन आगे बोल नहीं सकते ऑन हो जाएगा उल्लू वाला बता दे lips and fragrance fragrance nice. And I also think tumhara turn ho gaya how a female looks at a person hai na kyunki aankhon se bahut baatein hoti hai ha eye contact that should be very important change karna bhi deal ho jayega mera same hai mera same hai tu ja rahe hai I am see I am an old acha acha same ko pehli baar agar ladki aa rahi hai tumko kya pata ki wo share karegi ki nahi karegi pehli baar agar ladki aa rahi hai to main turn on nahi hota main bhi bol leta hai main bhi bolta main kaisa hai na isko bhi pata hai ये मेरा रूममेट रहा है इसको पूछो आप या किसी को भी पूछो शूट के बाद मेरा पैकअप हो जाता था ना आई यूज टू जस्ट गो होम एंड स्लीप सो दैट आई कैन वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई कुड वर्क तो मतलब मैं एक लड़की को जब देखता हूँ तो आई डोंट नो पहले प्यार पहले कम्युनिकेशन सेम क्वेश्चन For a guy, I would really look for is like nice smell. I like a nice smell looking person, nicely dressed, white shirt, nice trousers. White. Yeah, that will turn me on quickly. Indian. Traditional. Also, if the guy is like really listening to me. ये Indian है ना? आपको पिन पॉइंट करना है ओके हु इज मोर लाइकली टू लाइक बी अ होपलेस रोमांटिक एंड लाइक जस्ट होपलेसली रोमांटिक पर्सन कौन है who's more likely to like role play in bed? Do role plays in bed? No, no, no. 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 No, तुम सबको करना ऐसे बैठे नहीं रहना है मैं को क्वेश्चन सब यही करेंगे ओके कौन अपनी पार्टनर के साथ यू नो गुलगुल करेगा हां उतना नहीं उतना नहीं हां ये कहता है सब कुर्बान करता क्या है पीडी है ब्रो पीडी है आई फील लाइक ही इज अ वाइफ हो गया है इसीलिए तो करता है तू वाइफ देता है हां अच्छा
Who's more likely to like get drunk and like make out with a stranger? Who's more likely to do friends with benefits? तुम लोग आओ नहीं तो दो दो ये देख 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 ये टॉप एंगल पांचों को ये देख गुड जॉब खाना क्या है गाइस आई एम सो हैप्पी हर के सुपर गुड जॉब ये मुझे कट करो नहीं कट कर देना घर वालों का नाम हां ये नहीं ये अनलिस्टेड लिंक है नहीं नहीं अनलिस्टेड लिंक एडिट करके हम लोग भी एडिट करके दिखाएंगे ये अपना और हम लोग एडिट करेंगे Take a break. Have coffee. Bye. Hi, welcome back. Thank you for coming back to us. And I hope आपने अपनी coffee enjoy की हो. Please coffee पियो. होट लगाने दिवाली में तू पी ले. See, जब तक तुम पियोगे नहीं मैं करूँगी नहीं. अच्छा ऐसा. हम पागल है सारे बेटा पिया तो मैंने अभी भी नहीं है एक्टर दीज एक्टर्स आर टेलिंग चार से प्ले चुके कॉफी इन्हीं नहीं बात से ओके बिफोर वी गो ऑन टू द सीरियस क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क यू ऐसी एक ऐसी दिन बताओ तुम्हारे सेट का जो कि तुम सबके लिए सबसे ज्यादा यादगार है फ्रॉम योर सीरीज यूपी 67 बनारस का बीटीएस द बीटीएस हम लोग जब वापस आ रहे थे जब तू रिक्शा चला रहा था सबसे मजा इसको आया दो लड़कियों के बीच में बैठा था और हुआ सबको मुझे कुछ नहीं मुझे भी कुछ नहीं नहीं हमारे बाद में जो रिक्शा वाले भैया बैठे थे उनका पांव कट गया इसके सर पे लगा मुस्कान तो हॉस्पिटल किसी का हेलमेट अरे उससे भी मजेदार किस्सा है हम लोग आ रहे थे रात को होटल जा रहे थे और वहाँ के क्या लोकल BHU के स्टूडेंट्स होंगे वो पता नहीं कौन से स्टूडेंट कहाँ से आए भाई जो भी होंगे रैंडम लोग एवेंजर्स जो भी थे हम चल रहे और भाई साहब को जाके रैंडम ड्रंक एक बाइक पे थे थ्री पीपल एंड ऐसे तीन बाइक थे एंड दे वर जस्ट रैश राइडिंग और हम लोग चल रहे थे साइड से और ये लोग मतलब हम लोग अलग अलग ग्रुप में नहीं चल रहे थे लाइक दो जन आगे दो जन पीछे और मैं और तू और मैं साथ में चल रहे थे मैं और प्रीतम साथ में चल रहे थे पीछे से आए वो हम लोग को आवाज आई कोई तो ऐसा राज ड्राइविंग बाइक और चिल्ला वल्ला रह करके आया और उसने फटाक से पीछे से फाट करके मार दिया एंड देन गाड़ी लेके चले गए आगे जाके फिर हम लोग गए भिड़ने के लिए अच्छा नहीं नहीं उसपे भी फनी किस्सा ये है कि प्रीतम ने बोला अबे रुक और जैसे वो रुक रुक वो लोग उनको देख के क्लियर ही लग रहा था कि ये हम हमें मारेंगे और इनको फर्क नहीं पड़ रहा एंड प्रीतम भाई उनको क्या बताएंगे आप अपने गेस्ट को ऐसा ट्रीट करते मुझे ये भी आइडिया नहीं था बोलने पे रुक जाएगा अबे रुक रुक गया व्हाट नेक्स्ट अब क्या अब भाग भी नहीं सकते हम लोग तो रेडी थे कि ये लोग हम लोग के साथ नहीं है ये तो ये लोग पिटना शुरू हो मैं भागूं यहां से मुझे पता ही नहीं था मैं पीछे अपने फोन में लगा पड़ा था मुझे टप करके आवाज आई मैं देखता हूं तो अभिषेक क्यों है और प्रीतम देख रहा हूं मारा मारा करके मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ तो हम गए तब तक ये लोग का चल ही रहा था भाई ये सिर्फ बॉयज गैंग के साथ ही हो सकता है सच नाइस स्टोरी एंड दैट वाज द फर्स्ट डे इन बनारस फर्स्ट डे बनारस एवरीडे लाइक मैं भी बताने वाला एक और एपिसोड बन जाएगा अब तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी रोड पे चलते हैं ना जैसी आवाज जैसे ही आवाज आती है ना हमारी मुट्ठी को कोई मारे और घूम बीच एक बार मैं और जय बिकॉज़ हम दोनों को जिम का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ा था तो हम लोग मैं और ये दोनों पैकअप होने के बाद जा रहे थे ऑटो से तो एक बंदे को हल्का सा ऐसे टच करके गए तो रुक गया और उसके बाद उसको बहुत तेज दे दिया सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा अबे ऐसे
देख रहे हैं कस्टमर है यहाँ क्यों दे दिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है बनारस के लोग बहुत मजेदार जगह सबको जाना चाहिए फॉर श्योर जाना चाहिए ओके लेट्स कमिंग टू माय सीरियस लिटिल सीरियस क्वेश्चंस अभी हम जिस जनरेशन में रहते हैं अभी हमको बहुत फ्रीडम है स्पीच की लाइक वी कैन से वॉट एवर लाइक अभी यूट्यूब है इट्स गिवन अस अ प्लेटफॉर्म कि हम कुछ भी बोल सकते हैं हम गाली दे सकते हैं हम किसी को भी बोल सकते हैं तू खराब है उसका रिव्यू वीडियोस बनाते हैं उसमें इतना कुछ भी बोलते हैं बट डू यू थिंक ये सारी चीज़ें मिसयूज़ हो रही हैं अभी और यू थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमें वो एटलीस्ट मिल रहा है प्लेटफॉर्म टू लाइक से वॉट वी वॉन्ट टू से एनी वन लाइक नॉट अब सबको बोलने की जरूरत नहीं है एनी वन हू वॉन्ट्स टू से थिंग्स इसका कैसा है ना सी ये बोथ साइड वर्क करता है अगर आपको ये हक चाहिए कि आप फ्रीली कुछ बोल सको किसी के भी बारे में किसी भी मुद्दे पे किसी भी टॉपिक पे तो आपके पास वो एक्सेप्टेंस भी रहना चाहिए कि आप किसी से भी ये चीज़ें सुन भी सक सकते हैं तो ये बोथ इज आप सिर्फ बोलना चाहोगे आप सुनना नहीं चाहोगे देन इट मेक्स नो सेंस जैसे आपकी अभी सीरीज रिलीज हो रही है हो गई है और उसमें बहुत अच्छे कमेंट भी आएंगे खराब भी आएंगे exactly. तो तुम उसको कैसे चैनलाइज करने वाले हो लाइक क्या सोच रहे हो लाइक अगर कोई भी फिल्म या वेब शो बनती है सो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम लोग भी एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही बनाए नोइंग दैट इज इंपॉर्टेंट लाइक मैंने अभी बताया आपको स्टार्ट में कि मेरे एक चाचू थे उनको अपनी हॉस्टल डेज याद आ गई बहुत रॉ है लेकिन ये अगर मैं अपने नानी या दादी को दिखाऊंगा उनको नहीं समझ में आएगा उनको लगेगा कि क्या चल रहा है गाली गलोचन बट बहुत लोगों को ये रॉ लग रही है बहुत से ऐसा बहुत सब्जेक्टिव है कि किसी लोगों को अच्छी लगेगी किसी लोगों को थोड़ी भूलेगी हाँ बट लाइक आई लाइक इट कि आप लोगों का वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि हमको सब लोगों को पसंद करवाना नहीं, नहीं, नहीं है हमारा जो ऑडियंस है उन्हें पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है सही ऑडियंस इसकी बात कर रही हूँ अभी केरला स्टोरीज रिलीज हुई इट्स मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस आल्सो एंड वो आपने देखी है वो कहानी मैंने देखी है मतलब दैट मूवी इज आल्सो अनदर मूवी जो आई डोंट नो इफ इट्स आई डोंट वांट टू पुट माय ओपिनियंस आप लोगों का क्या है उसमें वो मूवी से आपको क्या ओपिनियन आता है आपके दिमाग में क्या चलता है कि ऐसी मूवी आप देख रहे हो स्क्रीन पे व्हाट्स हैपनिंग इन योर हेड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने जब वो फिल्म देखी सो आई वेंट टू सी दैट फिल्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट ठीक है अब उस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो आई एम नॉट अंडर दैट राइट टू पास एनी जजमेंट और एनी कमेंट्स ऑन दैट फिल्म व्हाई बिकॉज आई हैवंट डन माय रिसर्च येट अनलेस एंड अंटिल आई विल गो इन द डेप्थ ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट के एग्जैक्टली हुआ क्या था तो मैं पर्सनली अगर रिसर्च नहीं करता मैं अपने फैक्ट्स को लेके क्लियर नहीं होता तो मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकता सो दैट इज इम्पॉर्टेंट आप क्योंकि आजकल क्या होता है हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस लोग आधा ज्ञान लेके काफ़ी सारी चीज़ें बोल देते हैं एंड फिर खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हैं सो दैट्स अ थिंग विच आई नेवर डू इन माई लाइफ सेम आई एग्री विद हिम ये सही बोल रहा है आई नो हिम सुदीप्तो सेन जो इसके डायरेक्टर हैं तो जब मैं उनके साथ हम लोग उड़ान फिल्म फेस्टिवल में मिले थे दिल्ली में तो उनके साथ किया था तो वो तब से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं 2016 से तो जब मुझे पता था ये बातें तो मैंने रिसर्च वगैरह किया था इसके ऊपर तो फ्रेंकली ये चीज़ें हो रही है केरला में मैंने जब पढ़ा था ये सब चीज़ों के बारे में तो केरला में ये चीज़ें जहाँ पे जिस जगह का नाम लिया उन्होंने पूरा फैक्ट है बहुत बड़ा फैक्ट है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं ये सच में चलता है तो जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये था कि मेरे लिए कुछ नया नहीं था मैं जानता था कि ऐसे ऐसे बट वही है कि मैंने बुक्स और ऐसे नोट्स में पढ़े थे और वहाँ पर मैं 70 mm पे देख रहा था तो ये मेरा एक्सपीरियंस ये था कि रियल है ये रियल है अब कितना रियल है ये नहीं मालूम बट ये चीजें है राइट लाइक मुझे इसका बुरा लगता है कि जैसे ऐसे अगर फिल्म्स आती वो और डिवाइड कर दी दैट मेक्स मी वेरी सैड कि पहली मेरा ऐसा मानना है कि एवरीबडी शुड यूनाइट लाइक दैट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक जो सबका यही होता है बट अगर आप ऐसी और चीज़ें दिखा देते हो तो और दिमाग में घुसती जाती है चीज़ें पेनिट्रेट होती है कहीं ना कहीं और वो हेटरेट पैदा हो जाती है और भले ही वो डिजर्व भी नहीं करते नोबडी डिजर्व्स हेट एंड अगर वो पैदा हो रही है कोई भी चीज़ से वो मुझे नहीं पसंद दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम श्योर ये होता है एंड आई एम श्योर इट्स द वर्स्ट थिंग एवर बट दैट्स मी फॉर श्योर बेसिकली मेरे को इस पर ये कहना है कि पीपल शुड बी मोर ओपन माइंडेड टू द फैक्ट्स एंड द हिस्ट्री दैट इज हैपेंड ठीक है हुई है चीज़ें
दोनों तरफ से हुई है एंड इट इज नॉर्मल. वी जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्टेंस इज द की एंड ऑफकोर्स फॉरगिविंग इज द की. एंड अगर एक फिल्म एक टॉपिक को लेके एक फैक्ट या हिस्ट्री को लेके कुछ चीज़ें बता रही है दैट ओके या दैट कुड मीन इफ इट इज दैट कुड मीन दैट इट इज स्प्रेडिंग हेट्रेड ओनली एंड ओनली इफ हम लोग वहाँ पर सोच के उसको एक यू नो टाइपकास्ट कर देंगे कि ऐसा ही होता है, जनरलाइज कर देंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सब ऐसे होते हैं. हाँ, सब ओपन माइंडेड अप्रोच रखेंगे कि जनरलाइज ना हो एंड जिसको एज अ स्टोरी ही देखा जाए देन आई थिंक सो वी विल बी अ बेटर एंड मैच्योर सोसाइटी. फिल्म अफेक्ट्स लाइक रियल लाइफ एज वेल. मैं ये मानता हूँ इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोगों ने फिल्म बना दी तो लोग बोलेंगे कि अरे यार ये मुझे रियल लाइफ में मुझे इसने कुछ इंस्पायर नहीं किया. करती ही है फिल्म किसी ना किसी तरीके से. मुझे याद है जैसे मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी तो उसमें दिखाया गया था कि लोग संजय दत्त की मूवी देख देख कर मतलब बन रहे थे गुंडे एंड ऑल. सो मैं ये मेरा भी यही मानना है कि बिकॉज एनहांसमेंट तो होती है कोई भी नॉर्मल टॉपिक को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं जानबूझ के ताकि ये दर्शाया जाए तो वो चीज़ होती है. अब वो डिवाइड कर देती है वो लोगों को मतलब अलग कर देती है. तो यूनिटी जैसे आपने बोला तो यूनिटी एक समथिंग और यू नो टॉपिक्स और सीरीज डू इन्फ्लुएंस पीपल बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक उसको भी बनाया इंसान नहीं है. तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट ओके वी हैव टू मूव ऑन थ्रू इट एंड वी हैव टू बी अ बेटर पर्सन एज अ बेटर मैन एज अ सोसाइटी. इवन केट विंसलेट ने अभी जस्ट कहा है कि आप लोग प्लीज मूवीज रिस्पॉन्सिबली बनाइए एक उस तरीके से बनाइए क्योंकि अब बच्चे भी देख रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम लोग तो चलो क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री में तो हमें पता है कि हाँ ये सारी चीज़ें शायद एनहांस हुई है या ये सारी चीज़ें. लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है जेन्युइनली अगर मैं अपने दादाजी या दादी को दिखाऊंगा उनको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही होता है उनको वही लगेगा. ऑल्सो एक ये ना साइकिल सी हो गई है कि ऑडियंस ये बोलते हैं कि यार ये फिल्म बनाओ इस पे बनाओ और जब बना देते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये क्यों बना रहा है. एक सर्कल सी हो गई है. सो दैट इज व्हाई आई बिलीव कि ये होता रहेगा आगे भी होगा पहले भी होता था. वी जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड लाइक ही सेड लाइक रिसर्च एवरीबॉडी शुड डू दैट रिसर्च उनका खुद का ओपिनियन होना चाहिए नॉट लाइक किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करो. एग्जैक्टली. और 100 बात की एक बात कि कुछ लोग हैं ऐसे सब नहीं है. कुछ लोग की वजह से सबको मत बोलो. Because you all did such superb job in every round, I must say, आप लोगों को collectively एक hamper मिलेगा. Please share. The team of UP65 has done tremendously well. ये पूरी टीम के लिए है with the entire cast. तो वो दो लड़कियों को और हमारे एक another actor को भी अगर आप दे सकते हो तो मैं किसको दूँ अभी यहाँ पर? अभी मैं इनको देती हूँ. Sorry आपको. नहीं नहीं मैं उनको ही दे रहा था उनको ही pass. और I want to like know आपका एक एक क्या बोलते हैं? Coffee संभालना. So nice आप मेरी coffee की चिंता करो. संदीप will be very happy. और ये पी भी रहा. Thank you. सेकेंड कप. थैंक यू सर. और आप लोग का बहुत ही बहुत अच्छे अच्छे तकिया क्या बोलते हैं सर? तकिया कलाम वो है तो वो आप बताओ. एंड या सो बेसिकली मैं मेरे कैरेक्टर के तकिया कलाम से स्टार्ट करूंगा. सो मेरा नाम मोहित कुमार है इसमें एंड मेरा तकिया कलाम महाराज ब्रो है और लड़कियों को मैं मैडम ब्रो बुलाता हूँ. अच्छा. तो एक सिर्फ एक ऐसे डायलॉग में लिखा गया था तो मैंने सोचा कि इसको पकड़ के कैच फ्रेज बनाएंगे. और लड़की का तो मैंने ही इन्वेंट किया था कि मैडम लोग बोल रहे थे ना स्पॉट वाले मैडम क्या लोगे मेकअप वाले. मैंने कहा महाराज ब्रो होता है तो मैडम ब्रो हो सकता है. सो ये मैंने सोचा कि करते हैं. और फिर बाद में कैरेक्टर के बारे में अगर मैं मेरा बताऊँ तो ये बनारस का कैरेक्टर है. इसकी प्रॉपर बनारसी डायलैक्ट है और ये भी ये भी IIT ही सीख रहा है. कोचिंग कर रहा है उसकी एंड इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा है एंड ऑल इंडिया रैंक है. एंड मतलब इसकी कहानी ये है कि ये भी एक यू नो पेरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर की वजह से आया है इन IIT. एंड इसके मानने इसके जो इसका जो माइंडसेट है वो ये है कि वो अगर प्रेशर भी रहेगा ना तो भी वो स्ट्रेस नहीं लेगा. एंड यहाँ वहाँ प्रसाद के साथ मोहित प्रसाद की जोड़ी है केमिस्ट्री है और यहाँ वहाँ एग्जैक्टली सेम है. सो हाँ सो हम लोग वही मतलब एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं बट एट द सेम टाइम हम लोग जब प्रेशर में आके एंड मोमेंट हो जाते हैं तो हम लोग सीरियसली उस पर काम भी करते हैं लाइक इंजीनियर. हाँ लाइक इंजीनियर्स लाइक अ नॉर्मल इंजीनियर. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी महसूस होगा कि ये सिर्फ एक इंजीनियर की कहानी नहीं है. ये सारे किस्म के लोग देख सकते हैं क्योंकि अगर किसी भी इंसान पे प्रेशर बनता है
तभी जाके वो बेस्ट आउटपुट दे पाता है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. सो आई थिंक सो इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन हु हैज अ लाइफ. एंड अगर डायलॉग तो ऐसे मुझे याद नहीं है, बट मैं बोलता हूँ एक छोटा सा एक सेंटेंस कि मतलब मैं टेलीकॉलर जो मतलब मेरा क्रश है शो में, तो उसके साथ मैं फ़ोन पे बतिया रहा हूँ और बड़ी बड़ी लंबी फेंक रहा हूँ, जो हम दोनों का एक स्पेशल कैरेक्टर ट्रेट है, हम बड़ी बड़ी फेंकते हैं बनारस से हैं. तो अरे मैडम ब्रो तुम चिंता काहे करती हो, अरे 5 करोड़ का CTC तो यूँ लग जाएगा. अब देखो हम भी तो चाहते हैं कि हमारे कान में भी कोई कू कू करके पुकारे और हम भी बेबी सोना कह के उसको पुकारे. तो हेलो हेलो पू काटी का काटी 2 मिनट और रुक जाती ना तो पट जाती महाराज. कोई नहीं, दूसरी वाली फोन करेगी तो पटा लिएंगे. तो ये हमारा ऑन स्क्रीन स्पॉन्टेनियस, अरे जैसे अभी प्लान नहीं था, दिस वाज नॉट प्लान. हां तो ये हमारा ऑन स्क्रीन होता था. ये प्रसाद का भी कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही है मोहित की तरह, दोनों एकदम खोले दिल लोग हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं सारे जगह पे. प्रसाद का एक लाइन है जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में ही है UP65 के, तो उसमें भौकाल है इनका, प्रसाद का और मोहित का भौक. तो प्रसाद कहता है बाकी स्टूडेंट से क्या भाई हमारा नाम ना प्रसाद है, प्रसाद साला हमारा नाम एक बार कह दो, कोई तुम्हारी रैगिंग का तुमको टच तक नहीं करेगा, समझे? क्या कहोगे? प्रसाद, वो जो KV का पड़ा है. तो ऐसे कहता है और फिर जब इंसान जाता है नाम लेता है प्रसाद का तो उससे और मारा जाता है. अच्छा साला प्रसाद का दोस्त है. अच्छा साला तेरा डायलॉग है ना, भौकाल बनाए हो डायनासोर जैसा और हो छिपकली का बच्चा. साले जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिए थे ना तब तक सब कुछ ठीक था, जैसे ही नाम लिए ना साले 2 कंटाप खाए बे. सो मेरा कैरेक्टर अखिल है और उसका जो मेन स्पेसिफिकेशन ये है कि उसने 9th में सेक्स किया है. सो और वो मतलब ही इज अ स्टड गाय, इज अ स्टड गाय जो कि दो लोगों के लिए मर मिट सकता है, मतलब दोस्ती की है. तो मेरा भी एक लाइन है कि भैया तेरे लिए जान भी देना हो ना तो जान भी दे देंगे, दोस्ती की है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है भाई. सो दिस इज द होल थिंग. माई कैरेक्टर नेम इज पाब्लो, वो एक साउथ इंडियन बंदा है जो बनारस में आ चुका है, जिसकी हिंदी बहुत वीक है और उसको ये सारे अतरंगी लोग मिल चुके हैं, तो इसका एक एक्सेंट है जिसमें बात करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है एंड हिंदी बहुत वीक है. तो हाँ हैदराबादी इज लाइक मेन थिंग. एंड तो एक लाइन है उसमें, अभी तक आया नहीं वो लाइन अभी आएगा, बट द लाइन इज अबाउट, मैं इनको बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सम गर्ल्स की लड़कियों को, मतलब इंजीनियर्स को लड़कियाँ नहीं मिलती एंड ऑल दैट. तो उस पर वो एक लाइन है कि ऐसा कैसे चलेगी रा मामा, वी ऑल इंडिया रैंकर्स आर नॉट गेटिंग गर्ल्स रा मामा, हाउले जैसी लाइफ हो गई है रा. दैट्स इट. इसका कैरेक्टर का जो डायलेक्ट है वो हमसे बहुत डिफरेंट है. और इसका डायलेक्ट हमको इसके लिए हेल्प हुआ है कि हम लोगों ने इसके डायलेक्ट पकड़ के इसकी ली ली हुई है, तो और ज्यादा बनारसी गाय विल टर्न टू हैदराबाद. एंड एक चीज जो होता है जब आप डायलेक्ट पकड़ते हैं ना तो क्या होता है कि आप उसका नेचुरल एसेंस खो देते हैं, बट इस बंदे ने तो मतलब नेचुरली भी उसको डिलीवर किया और जो डायलेक्ट पकड़ा है. एंड द प्लस पार्ट अबाउट द कैरेक्टर इज वो भोजपुरी सॉन्ग्स को रॉक मेटल वर्जन में बनाया और उन्होंने उसका क्रेडिट इन दोनों को जाता है. ये बोलते हैं हम लोग इसको आइडिया डाल रहे हैं. मैं लिंकन पार्क बजाता हूं एंड ये लोग आके कौन सा गार्डन है ये इंप्रोवाइजेशन सच में कौन सा गार्डन है ये लोग मुझे भोजपुरी सिखाते हैं एंड देन आई टर्न इनटू अ भोजपुरी रॉक स्टार. व्हाट डूड यू हैव टू वॉच UP65 राइट नाउ. यस राइट नाउ. ये जो लड़के यहां पर मस्ती कर रहे हैं आई एम श्योर इसका 100x उन्होंने शो में किया है और उसका 10,000x उन्होंने सेट पर किया है और वो सारा चीज आपको सीरीज में देखने मिलेगा. आई कैन वाउच फॉर इट. वॉच देम गो क्रेजी ऑन दिस सीरीज एंड वॉच अस ऑन एवरी एपिसोड हियर ऑन स्पाइस इट अप विद तन्वी ऑन हिंदी टीवी. कहीं मत जाइए, एक्चुअली जाइए, शो खत्म हो गया. थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड कीप कंटिन्यूइंग. मतलब दे दो यार प्यार, खत्म करो इतना प्यार दो कि इतना बड़ा शो बने कि हम लोग यहाँ पर दोबारा आए और ये शो ऐसे मुकाम पे हो कि सब इसमें एक सपना हो कि हमको ये शो में आए. यस ये होगा, ये होगा. UP65 स्ट्रीमिंग फ्री ऑन जियो सिनेमा. We'll be right back.
हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।